गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज, आपको बिजनेस स्टडीज के सेकंड चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का रिवीजन वीडियो देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल्स होते क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल्स को हिंदी में सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली सिद्धांत होते क्या है, तो देखिए, अ प्रिंसिपल इज फंडामेंटल ट्रूथ और प्रिपोजिशंस दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। इट मीन्स दैट प्रिंसिपल्स क्या देते हैं आपको, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देते हैं। मतलब कि क्या कारण होता है, उसका क्या अफेक्ट होता है। बेसिक आपको एक बिहेवियर देते हैं कि किस प्रकार से आप आगे की ओर अपने बिहेवियर के साथ चीज़ों को कर पाएं, राइट। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। इट मीन्स दैट व्हाट एग्जैक्टली गाइडलाइंस, मतलब आपको एक निर्देशन दिया जा रहा है कि इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस एज दिस डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर एंड दस आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशंस। इट मीन्स दैट क्या सिचुएशन बोलती है, उस चीज़ को प्रिंसिपल्स बताते हैं कि आप इस तरीके से बिहेव करें, अपने व्यवहार में लाएं चीज़ों को और आगे की एक्टिविटी को परफॉर्म करें। ओके बच्चों, अब आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सी, नेचर मतलब क्या होता है, एक प्रकृति, राइट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मतलब कि जो प्रिंसिपल्स हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो प्रिंसिपल्स एक्चुअल में है, वो जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ हम समझते, केवल वहीं अप्लाई नहीं होते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल होती है। मतलब वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में काम करते हैं। ओके, देन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो प्रिंसिपल्स है वो किन चीज़ों पर बेस है। ऑब्वियसली जब हम प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर ही ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। अब किन लोगों ने इन प्रिंसिपल्स को बनाने का इनिशिएटिव लिया था, वो हम आगे देखने वाले हैं। जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको करना क्या है, फ्लैक्सिबल होते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस, कैसी किस प्रकार की सिचुएशंस है आपकी, राइट, बिजनेस में, उस प्रकार से आप उन प्रिंसिपल्स को फ्लैक्सिबिलिटी के साथ उन पर काम कर सकते हैं। देन बिहेवियर, अभी मैंने जैसे बताया कि एक मैनेजर को बताता है प्रिंसिपल कि आपको किस प्रकार से आगे उस पर काम करना है, मतलब उसका बिहेवियर डेवलप करा जाता है थ्रू प्रिंसिपल्स, राइट। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज का मतलब होता है कारण, और उन कारण का क्या प्रभाव पड़ता है उन दोनों के रिलेशनशिप को प्रिंसिपल्स आपको बताता है, राइट। एंड कंटिंजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब होता है आकस्मिक। ठीक है, देखिए, बिजनेस हो, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें कभी भी कुछ भी होने की संभावनाएं रहती हैं, तो पर प्रिंसिपल्स जो रहते हैं, बेसिक रहते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। और हमने जैसे बात करी कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, कैसी भी सिचुएशंस में हम उसको आगे बढ़ा करके, थोड़ा उसमें फेरबदल करके काम कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब आगे हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो आपको दिया था F.W. Taylor ने, राइट, ये उसके ऑथर का नाम है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं उन्होंने क्या टेक्निक्स दी थी, क्या प्रिंसिपल्स दिए थे।
जिसके बदौलत हम आज प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और हमारे बिजनेस में हम ग्रोथ तक जाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ठीक है, सबसे पहले समझिए साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल क्या रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, इन चार राइट्स को आपको कभी नहीं भूलना है। क्या कह रहा है, आई एम रिपीटिंग, राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, सही व्यक्ति सही समय पर सही जगह पर सही कार्य के लिए होना चाहिए, ये आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल रहा है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट करना कैसे है, तो हम इसके कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स देख रहे हैं। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं साइंस है प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बना है अपना प्रिंसिपल, बट रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब हमने थंब लगा दिया मतलब यही होना है। यहाँ पे हम रिजिडिटी को फॉलो नहीं करते। हमने क्या बात करी थी नेचर में प्रिंसिपल के, इट इज़ फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल मतलब हम सिचुएशन के हिसाब से उसमें थोड़ी सी फेरबदल कर सकते हैं, राइट। आपने भी स्कूल्स में देखा होगा कभी कभार आपके टीचर्स एब्सेंट रहते हैं कोई कारण से, तो उनकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट आता है, राइट। जब हमने प्लानिंग करी है तो वो टीचर उस क्लास में उस समय पर आना चाहिए, पर किसी कारण से नहीं आ पा रहे, तो हमने क्या की, हमने फ्लेक्सिबिलिटी को वहाँ पे फॉलो अप दिया, राइट। नेक्स्ट थिंग विल बी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशेंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इट मीन्स दैट जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाए कि उनके अंदर जितनी भी इफ़िशंसी है वो बाहर निकल के आए और वो अपने बिजनेस में अपने रिसोर्सेज के द्वारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, ओके। देन नेक्स्ट थिंग विल बी हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड, आपको मिलजुल करके काम करना है, ये आपको एम्प्लॉयज़ को सिखाना है, राइट। अलग अलग तरीके से काम नहीं करना है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, समन्वय के साथ काम करना है। हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड से ही आगे रिलेटेड है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जैसा हमने क्या पढ़ा हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड में, कि हारमोनी मतलब मिलकर के मतलब कौन, कि जो मैनेजमेंट है और वर्कर्स है उनको एक साथ हारमोनी के साथ काम करना है, राइट। वैसे कि वैसे ही इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि दोनों लेवल्स को, इवनली सभी लेवल्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना है, इंडिविजुअल अकेले अकेले अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना है, राइट। तो इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड अवर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट इज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये चार जो है प्रिंसिपल्स है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के F.W. टेलर द्वारा दिए गए, ओके। अब हम आगे देखेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। आप टेक्निक्स में देखिए, पहले ये आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, इसमें कितनी टेक्निक्स दिख रही है आपको, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मैथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है, फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेट, मतलब क्या करते हैं इसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, मतलब उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्लानिंग को, काम करते हैं, उन दोनों चीज़ों को सेपरेट लेवल पर देख रहे हैं हम, इसका मतलब ये है फंक्शनल फोरमैनशिप, मतलब कि फंक्शन वाइज काम को बांट दिया गया है। इसमें जो है हम 8 बॉस स्कीम देखेंगे, ये देखिए कितने बॉस है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8
दिस इज नोन एज एट बॉस स्कीम. ठीक है, तो प्लानिंग इंचार्ज में ये चार आएंगे और प्रोडक्शन इंचार्ज में ये चार बॉस आएंगे जो अपना अपना काम अपने अपने लेवल पर करेंगे. हर एक काम के अलग अलग जो है बॉसेस बना दिए गए हैं, अथॉरिटीज बना दी गई है. वो अपने अपने काम को सुपरवाइज करेंगे, काम करवाएंगे अपने वर्कर्स से और जो रिजल्ट है वो अपर लेवल अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे. ठीक है, अब जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो भी इंस्ट्रक्शंस देना है वो इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क देते हैं. रूटिंग का काम जो देखना है वो रूट क्लर्क करते हैं. टाइम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट का काम टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क करते हैं. डिसिप्लिनरियन मतलब कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, कितनी एब्सेंटिज्म्स हो रही है, इन सब का मतलब रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ की डिसिप्लिन का काम जो है डिसिप्लिनरियन देखते हैं. अब प्रोडक्शन इंचार्ज के रूप में स्पीड बॉस जो स्पीड परफॉर्मेंसेज एंड ऑल देखेंगे. ठीक है, गैंग बॉस रहेंगे जो पूरे यूनिट का काम देखेंगे. ठीक है, रिपेयर्स बॉस कुछ भी मेंटेनेंस का काम देखना है तो रिपेयर बॉस देखते हैं. एंड देन इंस्पेक्टर मतलब कोई भी काम हो रहा है उसका इंस्पेक्शन करने का काम जो है इंस्पेक्टर ये वाले बॉस करते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज एट बॉस स्कीम. ऑलवेज रिमेंबर एट बॉस स्कीम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. टेलर का ऐसा मानना है कि जो भी काम आप कर रहे हैं पहले स्टैंडर्डाइज कर लीजिए. स्टैंडर्डाइज मतलब उसकी एक मेथड को डिसाइड कर लीजिए. बार बार क्या है, आप मेथड चेंज करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, राइट. रिजल्ट तक भी आप नहीं पहुंच पाएंगे. तो काम को स्टैंडर्डाइज कर लीजिए और जितनी सिंपल तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे उतनी जल्दी आप उसका रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे. ठीक है, देन मेथड स्टडी. अभी हमने ऊपर बात करी कि स्टैंडर्डाइज करिए, मतलब आप उसके मेथड स्टडी करिए कि कौन सी मेथड आपके काम के लिए बेनिफिशियरी रहेगी. तो उस मेथड को पहले एग्जामिन करिए और उस मेथड को फॉलो करिए. ठीक है, एक पर्टिकुलर मेथड आपको डिसाइड करनी पड़ेगी. अदरवाइज जैसे अपन ने ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि कन्फ्यूजन क्रिएट होने के बहुत चांसेस रहते हैं. मोशन स्टडी. इन मोशन स्टडी उन्होंने देखा कि एक वर्कर जो है कितने मूवमेंट्स कर सकता है पर्टिकुलर जब वो वर्क कर रहा है, कितने घंटे तक वो मूवमेंट्स कर सकता है, कितने समय तक कर सकता है, कितनी मतलब देखिए. रेफर्स टू द स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट्स. इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनिमिनेटिंग वेस्टफुल मूवमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम अननेसेसरी इंसिडेंटल एंड अनप्रोडक्टिव मोशंस ऑफ द वर्कर्स सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कम्प्लीट द जॉब इफ इज इफेक्टिवली. देखिए कोई कोई मूवमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं, आपने जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त मजदूरों को देखा होगा कि मजदूर जो है नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर से चीज़ों को उठाते हैं और ऊपर तक लेके जाते हैं. ठीक है, पहले इसी तरीके से पूरा काम होता था. अगर पांचवी मंजिल पे जाना है, फिफ्थ फ्लोर पे जाना है तो पूरा सामान लेकर के ऊपर जाते थे. अभी भी कई कई जगह वो होता है, वो टेक्निक्स ही फॉलो होती है. बट जहां हम अपग्रेडेशंस कर सकते हैं वहां हम क्या करते हैं, कहीं पर ट्रॉली सिस्टम लगाते हैं तो उनको ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करना पड़े. मूवमेंट्स ऐसे लीजिए जो वैल्यू क्रिएट करे काम के लिए और आपका थकान भी कम करे और काम ज़्यादा कर सके हम. ठीक है, देन जो है टाइम स्टडी, कितने समय में एक व्यक्ति काम कर सकता है. टाइम स्टडी करेंगे तब सॉरी समझ में आएगा कि व्यक्ति एक घंटे में कितना काम कर सकता है, आठ घंटे में कितना काम कर सकता है. तो उस स्टडी के बाद हमें समझ में आता है. ये आपने सोचा है कि ये जो शिफ्ट्स होती है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम करने की या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में आठ आठ घंटे की शिफ्ट होती है, ये आफ्टर टाइम स्टडी पता चला है कि इस तरीके से व्यक्ति इतनी देर काम कर सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं फैटिग स्टडी की. देखिए फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क. ठीक है, अभी जो हमने ऊपर के पॉइंट्स देखे, ठीक है, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी,
है ना, इन मेथड स्टडी। अब ये फैटिक स्टडी है तो ये यही बोल रहा है कि एक व्यक्ति में फैटिक मतलब थकान कितनी देर में आती है। ऊपर मूवमेंट्स में भी हमने इसी बातों को चर्चा करी कि एक व्यक्ति कितनी देर कौन से मूवमेंट्स कर सकता है और कौन से वेस्टफुल मूवमेंट्स को हमें हटाना चाहिए और जो मूवमेंट्स थकाए नहीं और जल्दी जल्दी काम कराए वैसे मूवमेंट्स हमें लेने चाहिए। वैसे थकान मतलब फैटिक स्टडी में हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति कितने देर में थकता है, तो उतनी देर में, जैसे आपने छोटा सा एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लंच का टाइम होता है, टी ब्रेक होता है, तो ये थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ इंटरवल्स मिलते हैं आपको जिसमें आप अपने थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और आगे के काम के लिए और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाए, राइट? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में ऐसा है कि जो जो वर्कर्स, जो जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको उनकी क्वालिफिकेशन, उनके समय और उनके परफॉर्मेंसेस के हिसाब से प्रॉपरली वेजेस, सैलरी एंड रेमुनरेशंस प्रोवाइड किए जाए, राइट? इससे क्या होता है कि अगर उन्हें प्रॉपर पेमेंट मिलता है तो उनके काम करने के लिए उनको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, राइट? इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड द फैक्ट एट बॉस स्कीम, और यू कैन से फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप एंड ऑल द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फियोल, ठीक है। जो हेनरी फियोल सर थे उन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए कि आप इन्हीं तरीकों से आपके जो मैनेजमेंट को मैनेजमेंट कर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम पहले आप अच्छे से देख लीजिए, ये 14 प्रिंसिपल्स है और कोशिश करिए कि जैसे लाइन से हम चलते जाएंगे तो इन प्रिंसिपल्स को आप लाइन से याद करें, ठीक है। ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि क्रम से याद करना आवश्यक है, पर अगर आप लाइन से याद करेंगे तो ये 14 प्रिंसिपल्स आपको हमेशा लाइफ में याद रहेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट के इन प्रिंसिपल्स को अगर हम अपने अंदर उतार लेते हैं तो हमें मैनेजमेंट करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पे हम बात करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फियोल सर का ये कहना है कि सबसे पहले आप काम को बांटें एंड आप उसके बाद उस काम को करें, इट मींस दैट डिवाइड द वर्क एंड डू द वर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। जैसा कि हमने देखा था कि देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल, ठीक है। तो अथॉरिटी कहाँ से आती है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब फ्रॉम टॉप टू मिडल एंड मिडल टू बॉटम। और जब वो ऊपर से नीचे की ओर आती है तो नीचे वालों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी कम्स फ्रॉम टॉप टू मिडल एंड मिडल टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज फ्रॉम bottom to middle and middle to top, then it will known as authority plus responsibility equals to an accountability. Accountability, it means that the result of that work is known as an accountability. Okay, next is discipline. हमने बात पहले भी करी अनुशासन की, ठीक है। सारी चीज़ें आप कर लोगे पर अगर अनुशासन में नहीं कर पाए तो सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पर आकर के हो जाती है। इसलिए जो भी आप काम करें टाइम टू टाइम, जब उसका एक टाइम निश्चित है उस समय पर उस काम को करके रिजल्ट तक पहुंच जाइए, राइट। यूनिटी ऑफ कमांड, देखिए अकॉर्डिंग टू फियोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इट मीन्स दैट वन मैन वन बॉस ओनली। एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। अगर बहुत सारे लेवल्स है एक एम्प्लॉय के ऊपर अथॉरिटीज के, तो वहाँ पे दिक्कतें, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक बॉस ही होना चाहिए एक एम्प्लॉय के ऊपर, जो उनको इंस्ट्रक्शंस, सुपरविजन, डायरेक्शन ये सब दे सके, ओके।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान. ऊपर हमने देखा था यूनिटी ऑफ कमांड में वन मैन वन बॉस. ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, वन हेड वन प्लान, मतलब जितने भी लोग कर रहे हैं काम उनके सामने जो है सिर्फ एक प्लान एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तो उसी दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ेगा. हर एक व्यक्ति का अलग अलग ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए. जैसे कि हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट भी देखा था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ये भी उसी तरीके का है कि आपको जब आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, ज्वाइन करते वक्त आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें पैसा कमाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है. यस, ये आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं है, पर जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुके हो तो उसको ज्वाइन करने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है अब वो आपका ऑब्जेक्टिव बन गया है. जब आप उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा. इसलिए स्वयं के इंटरेस्ट के लिए आपको काम नहीं करना है, आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य के लिए काम करना है. रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे हमने ऊपर देखा था साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, तो रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब वही व्यक्ति को जो एम्प्लॉयज वहाँ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके प्रॉपर परफॉर्मेंस, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके टाइम, उन सभी के हिसाब से उन्हें प्रॉपर वेजेस सैलरी एंड रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जाए. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन अ फ्यू हैंड्स. ठीक है, इट मीन्स दैट कुछ ही लोगों के हाथ में पावर का होना. ये सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस कुछ ऐसी है कि अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ ही लोगों के हाथ में अगर पावर है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक नेटवर्किंग के थ्रू संभाल सकते हैं, पर अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है. इसे केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण कहा जाता है. डिसेंट्रलाइजेशन में व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको डिपार्टमेंट्स बना देने पड़ते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हेड बनाने होते हैं जो अलग अलग तरीके से अपने पावर का यूज करके मतलब नीचे वाले एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, सुपरवाइज करते हैं. राइट, स्केलर चेन देखिए इसमें किस तरीके से सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन होता है. देखिए इस तरीके से होता है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, फिर इस तरीके से ए टू ई, इस तरह ये पूरा इस तरह से चेन चलती है, जो इसके थ्रू जो है आपका पूरा कम्युनिकेशन प्रॉपर लाइन से चलता है. बट इफ़ आप ये सोचते हैं और सारी चीज़ें सब तक पहुँच जाती है, पर अगर सपोज करिए कि डी को केवल काम जी से है तो अगर वो इतनी बड़ी प्रोसेस से जाएगा तो वहाँ पे समय की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो अगर डी को केवल जी से काम है तो वो डायरेक्टली भी उससे कम्युनिकेट कर सकता है, उस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को बोलेंगे गैंग प्लैंक. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑर्डर अकॉर्डिंग टू फेयर, पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन सुटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी. ऑर्डर इट मीन्स कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो एक क्रम में करिए, अगर वो क्रम टूट जाता है तो फिर ऑब्जेक्टिव के बीच में एक एरर आ जाता है, एक बैरियर आ जाता है. तो उस बैरियर से बचने के लिए जितना भी आपने प्लानिंग करी है उस प्लानिंग को लाइन से सॉल्व करने का मतलब लाइन से चलने का कोशिश करिए. इक्विटी मतलब गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल. इक्विटी का मतलब होता है एक जैसा व्यवहार, जितने भी एम्प्लॉयज आप क्या काम कर रहे हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट दीजिए, एक जैसा व्यवहार कीजिए. ताकि देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी बातें होती हैं, अगर कोई परफॉर्मेंस अच्छा करता है कोई नहीं कर पाता है तो ऐसा नहीं है, जो नहीं कर पाता है उनको भी हम मोटिवेट करना है हमें आगे काम करने के लिए. ठीक है, तो एक जैसा व्यवहार रहेगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है बहुत जल्दी अच्छी होती है.
देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, मैनेजमेंट आपका कुछ ऐसा होना चाहिए. पर्सोनल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप उनको मैनेज करिए कि वो बार बार आपकी नौकरी को छोड़ के वहाँ से ना जाए. इसमें दिक्कत है ऑर्गेनाइजेशन को होती है, व्यक्ति काम सीख जाता है, और अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो वो दूसरी जगह आपकी सिखाई हुई चीज़ का उपयोग करता है. तो आप ये करिए कि आपका मैनेजमेंट इतना प्रॉपर हो कि आपके यहाँ से एम्प्लॉय बार बार जॉब छोड़ करके ना जाए. नेक्स्ट इज इनिशिएटिव. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना. देखिए, हम सोचते हैं कि सामने वाला आगे बढ़े. नहीं, कोई भी काम को अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप आगे जाने की सोचिए, तभी वो काम की शुरुआत और अंत तक आप उसके पार्टिसिपेटेड व्यक्ति कहलाएंगे, और आपको उसके बाद फील होगा कि यस, आई वॉज द मेंबर ऑफ दैट वर्क. ओके, एंड द लास्ट वन इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स. मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हारमोनी अमंग एम्प्लॉयज. मतलब कि मैनेजमेंट का काम यह है कि वो अपने वर्कर्स को बताए, यू आर ऑफ ओनली वन टीम. आप एक ही टीम के मेंबर है और आपको टीम स्पिरिट के साथ, हारमोनी के साथ काम करना है. इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल. थैंक यू.